हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने मेरे कल की वीडियो को ना देखा तो सबसे पहले उसे जाके देखिए, उसमें मैंने डिस्कस किया है मैनेजमेंट एज आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए ही हम डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांच फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इससे बहुत क्वेश्चंस फंसते हैं, पूरा इसी में डिपेंड ही है मैनेजमेंट। चलिए, प्लानिंग का मतलब होता है, तो प्लानिंग दिमाग में सोच लिया कि प्लानिंग क्या होती है, तो प्लानिंग का तो हर कोई प्लानिंग करता है, सबको पता है। तो लेकिन बुक में है कि प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड, हम अपने दिमाग में वो काम सोच लेते हैं कि कैसे कैसे करेंगे, किस किस स्टेज पे कौन कौन से एक्शंस लेंगे, वही होता है प्लानिंग। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हुम्स टू डू, कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और क्यों करेगा। प्लानिंग करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नो डाउट किसी भी काम को लेकर के रिलेटेड उसके उसमें रिस्क तो अटैच्ड होता ही है पूरी तरह से, लेकिन हम रिस्क को नहीं हटा सकते पूरी तरह से, लेकिन उसके जो अटैच रिस्क है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए भी प्लानिंग की जाती है। आगे है ऑर्गेनाइजिंग, ये हमारा दूसरा फंक्शंस है प्लानिंग का। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है हार्मोनियस एडजस्टमेंट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब हमें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, हम जो काम सोचते हैं करने के लिए, उसको हमें एक स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जहां प्लानिंग इज जस्ट टू पुट सम आइडिया इन रिटन, बट इन ऑर्गेनाइजिंग कन्वर्जन ऑफ दैट आइडिया इन टू रियलिटी, वी नीड ग्रुप ऑफ पीपल फोकस ऑन द वर्ड्स, क्योंकि जब आते हैं केस स्टडीज में तो एक एक वर्ड बाय वर्ड ध्यान देने पे ही पता चलता है कि कौन सा फंक्शन किस में आ रहा है, केस स्टडी में फंस रहा है। तो प्लानिंग में तो हम तो सोच लेते हैं कि ये करना है ये बस, लेकिन रियलिटी में कन्वर्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग इसलिए की जाती है ताकि परफेक्शन आता है, उसे स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होता है, क्योंकि हम किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं तो स्पेशलाइजेशन आता है, डिवीजन ऑफ वर्क इसको स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जो जिस काम में एक्सपर्ट है वो वही काम करेगा। अगर एक वर्कर अपने लोअर लेवल वाले काम में एक्सपर्ट है तो वो करेगा, एक मैनेजर मैनेजर लेवल पे एक्सपर्ट है तो वो उसमें काम करेगा, ठीक है। और आगे है स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब तो फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विथ पीपल, जो पोस्ट हमने लोगों से फिल, हमने रिक्रूट किया था लोगों को जिस काम के लिए, उस पोस्ट पे हमेशा वो रहें, क्योंकि एक जब ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करता है तो उसके बाद फिर एम्प्लॉयज जाते भी हैं, लेकिन ये ज़रूरी होता है करना कि एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाए ना, तो इसलिए ज़रूरी है कीपिंग द पोस्ट फिल विथ पीपल। स्टाफिंग इसलिए की जाती है, स्टाफिंग के बहुत सारे पार्ट्स हैं कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सेलेक्शन, बहुत सारी, हम इसको अपनी अगले वीडियो में पूरा कवर करेंगे एक एक पार्ट को, ठीक है। प्लानिंग को कवर करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग को कवर करेंगे, स्टाफिंग को। अगला है हमारा डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायर द पीपल टू डू द वर्क। जो एक मैनेजर है उसको अपने लोअर लेवल, जो उनके नीचे जो काम है, जो नीचे लोग उनके वर्कर्स हैं उनसे काम करें, उनको उनसे कम्युनिकेट भी करना है, उन्हें इंस्ट्रक्ट भी करना है, उन्हें मोटिवेट भी करना है, उनके ऊपर नज़र भी रखनी है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो कैसे और इंक्रीज़ की जाए उनकी प्रोडक्टिविटी की है, जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सके, बहुत अच्छे से कैसे अचीव कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है डायरेक्टिंग में। और डायरेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हमारा जो लास्ट है फंक्शन वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स होता है कि ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट टू द डिजायर्ड वन, हम चाहते क्या थे और हमने किया क्या है, ठीक है। हम चाहते क्या थे, हमारे डिजायर्ड रिजल्ट, हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था, हम कितना अचीव करना चाहते हैं और हमने किया क्या है, तो जो हम चाहते थे डिजायर्ड रिजल्ट और एक्चुअल को, हम दोनों को कंपेयर करते हैं।
ठीक है, कंपेयर करने के बाद दोनों में डिफरेंस क्या है, कितने जो डेविएशन आते हैं, डेविएशन का एनालिसिस होता है, एनालिसिस ऑफ डेविएशन होता है। फिर उसके बाद हम उस करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ की, ताकि हम करेक्शंस कर सकें, ताकि हमें आगे वो दिक्कत ना फेस करनी पड़े जो हमने फेस की है प्रॉब्लम। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो जैसे मैं अपलोड करूँगी कोई वीडियो तो आपको तुरंत मिलेगी सबसे पहले नोटिफिकेशन। चलिए, थैंक यू एवरीवन।